हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे और भी कुछ कोर्सेज पढ़ना चाहें तो उसके लिए आप मुझे unacademy.com पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना होगा unacademy.com/user/kumarketan, या फिर आप unacademy का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और वहां पे आप मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी लेसन्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, वो सारे लेसन्स को पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों LT ग्रेड में संस्कृत का पेपर, और इसके आज हम लोग 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको पैटर्न एक बार फिर से बता देता हूं कि आपका दो पेपर टाइप होगा, मतलब पेपर तो एक ही होगा, उसमें दो आपको सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन में मिलेगा दोस्तों आपको GS के 30 क्वेश्चन, जिस पर मैंने अभी एक वीडियो बना दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। और जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें आपका मेन सब्जेक्ट होगा दोस्तों। मेन सब्जेक्ट में हम लोग ने अभी तक हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, आज मैं आपको संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने 30-30 क्वेश्चंस करके कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं, तो ऐसे पार्ट वाइज हम लोग 30-30 क्वेश्चंस करके इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है फॉर LT ग्रेड, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत नहीं है तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसके बारे में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो आपके लिए बना सकूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित वाक्यों में शिशु शब्द में शुद्ध विभक्ति किस वाक्य में है। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है और पूछता है कि बताना है कि चारों में से जो शिशु शब्द है उसमें शुद्ध विभक्ति जो है वो किस वाक्य में है। तो चारों में से आपको ध्यान दीजिए तो जो तीसरा है दोस्तों ये सही विभक्ति के साथ लिखा हुआ है, शिशुवे क्रीडनकम रोचते, मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, तो जैसा कि हम लोग अभी तक LT ग्रेड में पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारे जो लेसन्स बनाए हैं उसमें भी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर ही डिस्कस किया है। और मैंने बार बार बताया है कि अगर आपको पूरा डिटेल में कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट की लिंक मिलेगी। 16 से ज्यादा सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा रखे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट की लिंक पर क्लिक कीजिए और उसमें जितने भी टॉपिक हैं आप सब डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र क्या है। तो आपको माहेश्वर के सारे सूत्र याद होने चाहिए तब आप बता पाएंगे कि इसमें चौथा सूत्र क्या है। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बताता हूँ कि जो ए ऑप्शन है ए ऑच, यही आपका माहेश्वर का चौथा सूत्र है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन थे। चार ऑप्शन है पाणिनी, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित या फिर वरदराजाचार्य। तो सही आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, भट्टोजी दीक्षित, यही थे आपके सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है, मतलब ऐसे व्यंजन जिसमें स्वरों का व्यवधान न हो तो उनको क्या कहते हैं, पद्म, संधि, संहिता या फिर संयोग। तो सही आंसर है दोस्तों आपको संयोग, ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, मतलब वृद्धि संधि विधायक सूत्र क्या है। आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आपका कौन सा सही आंसर है, ए ऑप्शन वृद्धि रेची। तो ये सारी चीजें याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेलिंग नहीं बता सकता ना, मैं आपको पूरा विधायक सूत्रों के बारे में नहीं बता सकता, बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो जाएगा, 2-2.5 घंटे के वीडियो चले जाएंगे अगर मैं हर एक टॉपिक को समझाने लगूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग को केवल और केवल 30 क्वेश्चन को डिस्कस करना है यहाँ पर पार्ट वाइज, पहले पार्ट में 30, फिर दूसरे पार्ट में 30, ऐसे करते हुए मैं टोटल 120 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चार पार्ट ये बनेंगे, तो ये पहला आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर से दूसरे प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही चलेगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे जिसमें केवल और केवल क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपके पास हजारों क्वेश्चंस के कलेक्शंस हो जाए आपके एग्जाम्स आने से पहले। और आपको पता होगा आपका एग्जाम कब है, 24 जून को है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितुह धन इच्छा में संधि होने वाले शब्द बनेगा, क्या बनेगा। अगर पितुह और इच्छा को जोड़ा जाए तो क्या शब्द बनेगा, आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो सही आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन पितुरिच्छा, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आप नीचे जब संस्कृत में एक जो लिंक मैंने दिया है उसमें देखेंगे ना, तो उसमें मैंने संस्कृत के तीन वहां पर बताए आपको संधि, संस्कृत के तीन संधि को मैंने पूरा डिस्कस किया है वहां पे, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे मैंने जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वापस से संधि पूछा है कि हरि धन सेते, इसमें संधि में क्या बनेगा। तो आपका यहाँ पे देखिए विसर्ग है, फिर बड़ा सा है, ये सारी चीजें मैंने वहां पे बताया है। तो जब भी विसर्ग के साथ बड़ा सा आता है तो क्या होता है, विसर्ग हट के वहां पर
एक आधा सौ हो जाता है, मतलब आपका सी ऑप्शन देखिए, एक सेकेंड, हाँ सी ऑप्शन देखिए आपका हरीश सेते, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित किस स्थिति में ये जो आपका सूत्र दिया है इष्टुनाष्टु, ये सूत्र प्रयोग होता है। तो इष्टुनाष्टु सूत्र हो या इष्टुनाष्टु सूत्र हो, मतलब कोई भी सूत्र हो, कई सारे सूत्रों पर मैंने डिस्कस किया है, जब आप संस्कृत का वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने पूरा संधि पढ़ाया है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, तो आपको पता चलेगा ये सारे सूत्र मैंने वहां पे पढ़ाए हुए हैं। तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि ये किस में होगा, आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो चारों में से आपका कौन सा सही आंसर है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन तट धन टीका, इसमें आपका इष्टुनाष्टु सूत्र प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन धन षष्ठ, ये बना सन षष्ठ, इसमें कौन सा नियम लगा है, सात इष्टुनाष्टु तोहसी या फिर न पदांतात तोर नाम, कौन सा सूत्र लगा है दोस्तों, तो सी ऑप्शन यहाँ पे भी सही है आपका, तोहसी, ये सूत्र के द्वारा ही ये आपका संधि किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतद धन मुरारी, इस संधि में कौन सा सूत्र है, तो सारा यहाँ पे देखिए आप सूत्र ही पूछा हुआ है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो संस्कृत का लिंक मैंने दिया है उससे जाकर सारे वीडियो देख डालिए, खास करके संधि के तीन वीडियो, आपको सारे सूत्रों के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो एतद धन मुरारी में दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, ये सूत्र आपको यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने बोला ना 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह धन अत्र, इसका क्या संधि रूप होगा, तो सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका कुअत्र। ठीक है, ये बनेगा, ये कैसे बनता है, ये अ कैसे आता है, ये मैंने वहां पे बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। मनीषा में कौन सी संधि है, पर रूप है, प्रकृति भाव है, पूर्व रूप है या दीर्घ है, तो सही आंसर है दोस्तों पर रूप संधि। ठीक है, मनीषा में कौन सी संधि है, पर रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी शब्द, इसका द्वितीय विभक्ति में एक वचन बताइए क्या होगा, तो आपको पूरा शब्द रूप याद होना चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि एक शब्द रूप आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिए ताकि उसी के आधार पर आप सारा बना सके। बात आती है धातु रूप की, तो धातु रूप में दोस्तों आपको पांच मिलते हैं, पांच मतलब पांच प्रकार के आपको होते हैं, जैसे लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, विधि लिंग और एक होता है लोट लकार, तो पांचों आपको याद रखना है। तो इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, जब आप वापस से संस्कृत में जाइएगा तो वहां पे मैंने एक ट्रिक दे रखी है, बहुत ही तगड़ी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है वो, जिससे आप पांचों लकार को आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वहां पर आपको दिया हो, उनमें उसका कोई भी धातु बनाना हो, कोई भी वचन हो, कोई भी पुरुष हो, आप तुरंत वहां पर बता सकते हैं, तो इस बार एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका बोला है कि द्वितीय विभक्ति एक वचन सखी शब्द का, तो सही क्या होगा दोस्तों आपका, आपका ऑप्शन डी जो है ना, सखायाम, ये आपका एकदम राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वर्गों में केवल पुलिंग शब्द किस वर्ग में है, तो दोस्तों ये जो ए ऑप्शन है आपका सखा हरिदाता, यही इसमें सब पुलिंग है, जैसे क्योंकि बाकी में देख लीजिए कुछ ना कुछ आपका, जैसे सविता, अंजलि, ये महिमा, ये सब स्त्री हो गई, सीता स्त्री हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऐसे देखिएगा तो मधुरम स्त्री हो गई, तो सखा हरि और दाता ये तीनों क्या है आपके, केवल पुलिंग है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि माता शब्द का मूल रूप क्या है, अकारांत है, आकारांत है, अकारांत है, इकारांत है या फिर ऋकारांत है, तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऋकारांत। ठीक, माता शब्द का मूल रूप क्या, मूल शब्द क्या है, ऋकारांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम शब्द इदम, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन का बताना है आपको। ठीक है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में बताना है आपको इदम का, तो सही आंसर क्या होगा, डी, आसाम। ठीक, ये सारी चीज आप याद कर लीजिए, आपका खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन कौन सा रूप होगा, या अच्छा ये चारों अलग अलग शब्द रूप दिए हैं, अब इसमें से आपको ये छांटना है कि कौन सा ऐसा है जो कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बना रहा है, तो सही आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन दधने, ये चतुर्थी विभक्ति में एक वचन बना रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अप मतलब जल, जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या एक वचन और बहुवचन दोनों, तो केवल बहुवचन में। ठीक है, जल जो होता है वो केवल बहुवचन में चलेगा इसके रूप। नेक्स्ट दोस्तों कि असो अमु अमी, ये जो है ये किस प्रतिपादित के रूप में है, इदम शब्द के पुलिंग के, अदस शब्द के पुलिंग के, इदम शब्द के स्त्रीलिंग के या इदम शब्द के नपुंसक लिंग के, तो सही आंसर है दोस्तों अदस शब्द के पुलिंग से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति का रूप किस वर्ग में है, तो आपको चार ऑप्शन दिया है, कह का, तम ताम,
तस्याम तस्या या तस्य ताब। तो सही आंसर है दोस्तों आपका डी ऑप्शन, ये तो डायरेक्टली देख के ही समझ में आ रहा है, तस्य ताब भी जो होता है वो चतुर्थी विभक्ति में ही जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा है कि तृतीय विभक्ति बताना है स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो नद्य रमया धेनु स्त्री, तो कौन सा होगा इसका तृतीय विभक्ति, ध्यान दीजिएगा तृतीय विभक्ति पूछा है, तो डी ऑप्शन स्त्री है, ये आपका तृतीय विभक्ति में जाएगा। ठीक है, अब आपको देता है एक सर्वनाम शब्द तत्, इसका प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में और बहुवचन बताना है आपको, तो सही आंसर क्या होगा ते। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ते होता है, सत ते बोलते हैं ना, तो ते आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि युग्मक सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन होगा, चार ऑप्शन आपको देता है यहाँ पे, युष्मत युष्मात। तो सही आंसर है दोस्तों आपका युष्मत, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पंचमी विभक्ति का बहुवचन। नेक्स्ट है दोस्तों कि भू धातु का भवत रूप क्या होगा, तो सही आंसर इसमें मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, लोट लकार होगा। ठीक है, लोट लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन, बाकी तो लोट लकार अच्छा यहाँ दिया है, प्रथम पुरुष दिया ना, नहीं गलत है, मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, तो लोट लकार का मध्यम पुरुष होता है आपका भवत। ठीक, कैसे होता है ये आप जब वो ट्रिक देखेंगे ना धातु रूप वाली, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, चुर धातु का चोरियतम रूप जो है वो किस में होता है, लट लकार लोट लकार किस में होता है, तो दोस्तों ये भी लोट लकार में होता है और बाकी में तो लोट लकार एक ही ऑप्शन दिया लोट लकार, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन, ये क्या होता है चोरियतम। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों कि लब धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ देखिए पूरा धातु रूप है, आप एक बार ट्रिक देख लो, ठीक है मेरी रिक्वेस्ट पे देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लभते, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि विधिलिंग में आ गए, विधिलिंग में चाहिए वाला शब्द आता है। ठीक है, तो विधिलिंग में आपको बताना है चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि विधिलिंग में है, तो सही आंसर है दोस्तों आपका डी ऑप्शन भवेत लभेम, ये दोनों किसमें है विधिलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हन, हन मतलब मारना, अब हमें बताना है कि हन का जो है लंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था लंग लकार में अक्सर अ लगा देते हैं आगे। ठीक है, अब प्रथम पुरुष का एक वचन आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा अहम। ठीक, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों दूह, इसमें परस्मै पद में बताना है आपको कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा दूह का, तो सही आंसर है दोस्तों आपका दोंगथी, एक ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत में भविष्य काल के लिए कौन सा यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया ना लट लकार लिट लकार लोट लकार लंग लकार विधिलिंग, ये सारे ना किसी किसी काल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भविष्य काल को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको वहां पे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप ट्रिक पढ़ोगे तो, और ट्रिक भी क्या आपको ये और भी क्लियर हो सकता है जब आप संस्कृत जो अनुवाद करना मैंने सिखाया है, संस्कृत का अनुवाद कैसे करते हैं इस पर भी मैंने तीन वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसमें प्रथम उसमें ऐसे वर्तमान काल भूतकाल भविष्यकाल विधिलिंग ऐसे करते हुए मैंने पूरा सिखाया है कि किस प्रकार का काल होगा तो कैसे हम लोग उसको अनुवाद करेंगे, तो अगर आप वो देख लोगे तो वहां से ये क्वेश्चन आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भविष्य काल को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये लिट लकार बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन है आपका आपका राइट आंसर है। ये तो थे दोस्तों 30 क्वेश्चन संस्कृत के जो कि आपके आईटी ग्रेड के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए अच्छे से पढ़ लीजिए और टॉपिक सारे तैयार कर डालिए। ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपका मोबाइल में बेल बज जाए। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन कलेक्शन ऐसे ही आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि सारे लोगों के सब्जेक्ट्स मुझे कवर करने होते हैं, तो दो दिन तीन दिन वेट कर लिया कीजिए, आपको मिलते रहेगा आपका टाइम टू टाइम। और कोई भी डाउट हो कुछ भी आपको कहना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और साथ में वीडियो शेयर भी कर दीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।